Hello guys, so today we are going to study about filters, which are the common components or part of the common system related to communication. Generally filters hain wo communication, instrumentation, telemetering, jahan bhi humko signals ko process karna hai un jagah par use aate hi aate, kyunki jab bhi hum transmission kar rahe hain to kuch unwanted unrequired frequencies ya signals jo hain wo hamare प्राइम सिग्नल में मिक्स हो जाते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए बेसिकली हम इसको यूज लेते हैं, या फिर उनको बाईपास या पास ऑन करने के लिए हम यूज लेते हैं। तो फिल्टर्स की हम आज बात करेंगे, फिल्टर्स क्या होते हैं, क्या इनका मेजरमेंट होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फिल्टर। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिल्टर्स होते क्या हैं। सो ए फिल्टर इज ए रिएक्टिव नेटवर्क that freely passes the desired band of the frequencies while almost totally suppressing all other bands. क्या काम है इसका एक्चुअल में, हम डेफिनेशन बस लेते हैं। ए फिल्टर इज ए रिएक्टिव नेटवर्क विच फ्रीली पासिस द डिजायर्ड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज हैं उनको तो फ्रीली पास ऑन देगा, और दूसरी जो सप्रेसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं या अनरिक्वायर्ड अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को सप्रेस कर देगा या रिमूव देगा। फिर से डेफिनेशन हम डिक्लेयर करते हैं, a filter is a reactive network that freely passes the desired band of frequency while almost totally suppressing all other bands. मतलब क्या हुआ कि दो फ्रीक्वेंसी रेंज होंगी, एक जो हमारे को चाहिए और एक जो हमारे को नहीं चाहिए, जो डिजायर्ड है जो चाहिए हैं उनको फ्रीली पास ऑन कर देगा, और जो अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज होगी उनको हमारे सर्किट से, हमारे सिग्नल से रिमूव कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ये एक सर्किट होता है फिल्टर सर्किट। ए फिल्टर इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम प्योरली रिएक्टिव एलिमेंट्स, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि रिएक्टिव एलिमेंट से ही बना होता है, क्यों, अदरवाइज क्या होगा, अटेन्यूएशन जो है वो जीरो नहीं होगा पास बैंड फिल्टर के लिए। अगर हमने कोई एक्टिव एलिमेंट ऐड कर दिया तो वो पावर कंज्यूम करेगा और हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ कम कर देगा या उसका अटेन्यूएशन बढ़ा देगा। तो इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ, आइडियली इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ reactive networks. Why? Otherwise, the attenuation would never become zero in pass band of the filter network. जो हमारा required frequency band होगा, उसका attenuation zero नहीं आ पाएगा अगर हमने reactive network लिया उस case में. So ideally, it's a reactive network which passes the desired frequency with zero attenuation and suppress or reject the undesired frequencies with infinite attenuation. ठीक है, जैसा डेफिनेशन में कहा हमने, आइडियली फिल्टर शुड प्रोड्यूस नो अटेन्यूएशन इन द डिजायर्ड बैंड। और कहते क्या इनको, डिजायर्ड बैंड को हम क्या क्या नाम से कॉल कर सकते हैं, ट्रांसमिशन बैंड, पास बैंड, इसके लिए कितना अटेन्यूएशन होता है फिल्टर के केस में, इट गिव्स जीरो अटेन्यूएशन फॉर दीज दूसरा बैंड है अटेन्यूएशन बैंड और स्टॉप बैंड। के लिए
attenuation or infinite attenuation. This is basically the definition. अब बात आती है जो स्टॉप बैंड और पास बैंड को या ट्रांसमिशन बैंड या अटेन्यूएशन बैंड को सेपरेट आउट करने वाली लाइन. सपोज देयर इज ए सर्किट जिसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इधर फ्रीक्वेंसी या गेन है और कोई भी फिल्टर होगा तो कुछ फ्रीक्वेंसीज को ये पास करेगा और कुछ ब्लॉक कर देगा. ये चार बेसिक टाइप्स होते हैं फिल्टर के और इनको नाम जो डिफाइन किए गए हैं वो इसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग किए गए हैं.
फर्स्ट वन दिस ए इज लो पास फिल्टर, दिस इज हाई पास फिल्टर, सी वाला जो है दैट इज बैंड रिजेक्ट फिल्टर, और डी वाला इज बैंड पास फिल्टर। हम इसके फ्रीक्वेंसी गेन प्लॉट से या रेस्पॉन्स से हम देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे हम लो पास फिल्टर की बात कर रहे हैं तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पहले इसका पास बैंड है और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद अटेन्यूएशन बैंड है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द फ्रीक्वेंसीज हैविंग वैल्यू लेस देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी पास्ड ऑन और पास्ड बाय द फिल्टर सर्किट। जितना भी सिग्नल हमारे को मिल रहा होगा एज इट इज वो पास ऑन आगे कर देंगे विदाउट एनी अटेन्यूएशन आइडियली। सो दिस इज, ये नीचे जो हमने कंपोनेंट्स लिखे हैं, अटेन्यूएशन है, दिस इज नॉट गेन, दिस इज अटेन्यूएशन। सो ये अटेन्यूएशन है, ये गेन नहीं है, अटेन्यूएशन है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है तो गेन जीरो, सॉरी अटेन्यूएशन जीरो डीबी है, और जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो हमारा अटेन्यूएशन इनफाइनाइट है ना। ये फ्रीक्वेंसी उल्टी लिखी हुई है। सो जब फ्रीक्वेंसी हमारी एफ इज लेस देन एफ सी, अटेन्यूएशन जीरो डीबी, अटेन्यूएशन इज बेसिकली लॉस है ना, तो अटेन्यूएशन जीरो डीबी है, और जब हम एफ की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इनफाइनाइट अटेन्यूएशन, इट मींस जो पूरा सिग्नल है वो सप्रेस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा हमारे पास बैंड से या पास हुए हुए सिग्नल से। ऐसे जब हाई पास फिल्टर की बात करते हैं तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसीज अलाउड होती हैं और उससे लेस जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो अटेन्यूएशन बैंड में आ जाती हैं। सो व्हेन फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अटेन्यूएशन जीरो, एंड फॉर द रेस्ट फ्रीक्वेंसीज द अटेन्यूएशन इज इनफाइनाइट। सी केस की बात करें, दिस इज बैंड रिजेक्ट फिल्टर, पर्टिकुलर एफ एल से एफ एच का जो बैंड है ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उससे नीचे और ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसीज पास ऑन कर दी जाएंगी सेम गेन के साथ। सो जो फ्रीक्वेंसी जो है एफ एल से एफ एच के बीच में, तो अटेन्यूएशन इनफाइनाइट है एंड द रेस्ट इज जीरो, तो पूरा सिग्नल ऐसे कैसे पास ऑन हो जाएगा। ऐसे बैंड पास फिल्टर है तो एफ एल से एफ एच का जो बैंड हुआ, फ्रीक्वेंसी बैंड है ये रेंज, एफ एल से एफ एच तक की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो अलाउड हैं, बाकी की सारी फ्रीक्वेंसीज हम उससे रिजेक्ट कर देंगे उस फिल्टर को अप्लाई करके। सो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है फिल्टर्स का, और दीज आर कॉल्ड बेसिकली पैरामीटर्स ऑफ ए फिल्टर, कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ बैंड पास और बैंड रिजेक्ट फिल्टर्स, एंड गेन्स और अटेन्यूएशंस का मतलब क्या होता है। गेन इज द डायरेक्ट रेशियो ऑफ वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज गेन आउटपुट टू इनपुट, एंड द अटेन्यूएशन इज द रेशियो विद लॉगरिथम ऑफ इनपुट टू आउटपुट। डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि नेपर और डेसिबल में क्या डिफरेंस होता है। सो दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट द फिल्टर्स एंड टाइप्स ऑफ द फिल्टर्स। डेसिबल नेपर क्या होते हैं वो भी हमने देखे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कशन करेंगे कि टू पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर्स क्या होते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन था, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द फिल्टर्स, कि फिल्टर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, डेसिबल नेपर क्या होते हैं, फ्रिक्वेंसी बैंड्स क्या होते हैं, बैंड रिजेक्ट बैंड पास फिल्टर्स क्या होते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, है ना, लोअर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। थैंक यू वेरी मच।